चर्चे में दो तीन दिनों से। चलिए जानते हैं कि क्या है। हिंडनबर्ग एक यूएस बेस्ड कंपनी है विच वॉज स्टेबलाइज बाय द नैथन एंडरसन इन 2017। और ये कंपनी रिपोर्ट बनाती है। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अगर फ्रॉड कर रही है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी शेयर मार्केट में फ्रॉड कर रही है, तो उन पर वो रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद अपना रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है। हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937 के ऊपर बेस है, जिसका मतलब होता है मैन मेड एंड अवॉइडेबल डिजास्टर। पिछले साल हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया था, जिस रिपोर्ट में उसने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि वो फाइनेंशियल मार्केट में मैनिपुलेशन करती है और स्टॉक मार्केट में भी मैनिपुलेशन करती है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान का सामना। इस साल फिर 10 अगस्त को हिंडनबर्ग अपने ट्वीट यानी प्लेटफॉर्म एक्स पे एक ट्वीट करती है, जिसमें वो ये बताती है कि समथिंग बिग सून इंडिया, मीन्स भारत में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। और 11 अगस्त को ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बताती है कि उनका ये रिसर्च जो है 2 साल का रिसर्च बेस्ड है। इस रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप एंड सेबी की चेयरमैन माधुरी बच के बीच में कनेक्शन है। तो सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट लेड एंटिटी है, जिसका काम फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट कर। हालांकि हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट को इस बार बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है। सेबी के चेयरपर्सन और अदानी ग्रुप दोनों ने ही इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताते हुए रिजेक्ट किया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को रख सकते हैं। थैंक यू।